हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स लैंड पे। तो गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाले हम ECS टी20 लीग का जो 91st मुकाबला खेला जाना है रावत स्पोर्टिंग वर्सेस खारियन के बीच में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको कवर करके दूंगा दोनों टीमों के प्लेइंग 11 जो आज के मैच में खेलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, एक एक रिकॉर्ड लाए हैं सारे प्लेयर्स के निकालकर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों, ये मैच जो है काफ़ी ज़्यादा जैकपॉट रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो हाई इन्वेस्ट कर सकते हो इस मैच में और ईजिली काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आपको सारा कुछ समझ आएगा और आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाओगे इस मैच में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं, हमारे चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स इलेवन को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही गाइस, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़कर विनिंग करते रहो। तो आगे दोस्तों, बढ़ते हमारे जो स्टैट्स रहने वाले इस मैच के लिए और जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, आपको सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो गाइस, वैसे मैच के इन्फो की बात करें तो आपको यहाँ पे पता लग ही चुका है कि रावत स्पोर्टिंग वर्सेस खारियन के बीच में जो ECS टी20 लीग का 91st मुकाबला खेला जाना है दोपहर 1 बजे से इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। बात करें दोस्तों वेन्यू की, तो मोंटेजिक ओलंपिक ग्राउंड में जो ये मुकाबला लाइव खेला जा रहा है। और साथ ही गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपको सारे मुकाबले यहीं पर खेलते नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही जो यहाँ पे स्टेडियम का है ओलंपिक स्टेडियम मोंटेजिक ग्राउंड, वहीं पर जो सारे मुकाबले खेले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो। क्योंकि गाइस, यहाँ पे आपको जो फाइनल टीम लाइनअप के बाद में प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही गाइस GL की टीम्स भी आपको जो ग्रैंड लीग की टीम्स में अपडेट चैनल टेलीग्राम पर जो देता हूँ, जिससे आपको रोजाना का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं हम सभी। तो आप गाइस फटाफट से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मौसम थोड़ा क्लाउडली रहता है, या बाकी बात करेंगे दोपहर के टाइम में जो आपको टेम्परेचर का था दोस्तों, यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा इस टाइम पे आपको। साथ ही 70% जो ह्यूमिडिटी रहने वाली है। बात करेंगे दोस्तों वाइंड की स्पीड की, तो 13 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जो है यहाँ पे स्पीड रहेगी वाइंड की, और थोड़ा सा जो चांस रहेगा बारिश के। बाकी दोस्तों क्लियर रहेगा मौसम, तो आपको सिंपली मैच जो कवर हो जाएगा पूरा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा जो आपको ये मैच जैकपॉट हो सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जो काफ़ी अच्छे टिप भी दूंगा जो आपको काफ़ी इजीली वन साइड विनिंग भी दिला सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट की तरफ। तो गाइस, पिच रिपोर्ट की बात करें, जैसा कि आप सभी को पता, आपको यहाँ पे जो आर्टिफिशियल पिच है, मैट बिछाया गया पिच पे, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फायदा होता है बैट्समैन को, काफ़ी अच्छा स्कोर बनाकर जो अपनी टीम को डिफेंड कराते हैं। साथ ही बात करें जो बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो दोस्तों सबसे बेस्ट रहती है यहाँ पे पेसर्स को जो है पिच बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैट बिछी हुई है पिच पे, तो वहाँ पे दोस्तों स्पिन के लिए बहुत ही खराब पिच है, वहाँ पे स्पिन को काफ़ी ज़्यादा जो है रन पड़ते हैं। तो दोस्तों आपने अभी अपनी टीम में ज़्यादा से पेसर्स को ही रखने और दोस्तों स्पिन को स्किप करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट गाइस, बात करें यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर रहने वाला था दोस्तों, 100+ आपको जो यहाँ पे स्कोर देखने को मिलेगा इजीली फर्स्ट इनिंग की तरफ से। क्योंकि दोस्तों लास्ट के 5 मैचेस देखेंगे तो आपको 100+ का जो टोटल देखने को मिलेगा पहली इनिंग की तरफ से, उसी के बेस पर आपको दोस्तों यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा हमें स्कोर देखने को मिलता है बैटिंग पिच है, तो इस मैच में भी आपको सिंपली 100+ का स्कोर देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते दोस्तों बात करेंगे चेजिंग रिकॉर्ड, साथ ही दोस्तों एक एक रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। जैसा कि चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, 2 मैच जो है लास्ट के 6 मैच 2 बार टीम ने चेस करते मैच जीता है और 4 बार लॉस किया और 1 बार भी टाइम मुकाबला नहीं हुआ है। तो ये आप जो चेजिंग रिकॉर्ड देख सकते हैं कितना जो यहाँ पे खराब रहता है दोस्तों। कंटिन्यूसली जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है और 100+ अगर स्कोर कर लेती है तो उसकी विनिंग जो है दोस्तों 100% हो जाती पक्की। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कैसे हमने जो टीम का जो मैनेजमेंट करना है, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो दोस्तों स्किप करोगे तो बहुत कुछ आपका जो लॉस होगा। आगे गाइस, जैसा कि टीम का रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, रावत स्पोर्टिंग नंबर 1 रैंक पे अपने टीम में, अपने ग्रुप में दोस्तों सी ग्रुप से ये मैच, तो दोस्तों नंबर 1 पे रावत स्पोर्टिंग है। क्योंकि दोस्तों इसने सारे जो 5 के 5 मैच है कंटिन्यूसली लास्ट के जो 5 मैच विनिंग किए हैं। साथ ही खारियन की बात करें तो लास्ट के 5 मैच में से दोस्तों पहला इन्होंने विन किया, दूसरा लॉस, तीसरा विन और लास्ट के 4th-5th मैच जो इन्होंने लॉस किया, जिसके कारण थोड़ा इनका जो फ्लॉप हो गया, डाउन हो गया ग्रुप में रैंकिंग, जिसके थ्रू ये नंबर 4 पे आ चुकी है। बात करें दोस्तों विनिंग प्रेडिक्शन, तो दोस्तों रावत स्पोर्टिंग की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ खारियन के मुकाबले में, तो इनके विनिंग के चांसेस भी थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों लास्ट का मैच अगर देखे होते आप रावत स्पोर्टिंग का, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बॉलिंग कराया था यहाँ पे गुरंग मायावंशी और अमित दास ने। तो गाइस, ये सब आपको जो है टिप्स आपको बताता हूँ जो आपको के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट मैच में ग्रैंड लीग की जो टीम आपको बताया, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो कंटिन्यूसली आपकी काफ़ी अच्छी विनिंग हुई है दोस्तों।
साथ ही आगे बढ़ते दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे प्लेइंग 11 दोस्तों एक एक रिकॉर्ड्स भी आपके लिए निकाल कर लाया, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस मैच में विनिंग के लिए। तो दोस्तों बात करें रावत स्पोर्टिंग की प्लेइंग 11, तो दोस्तों यहाँ पे किस्ती पटेल जो कि विकेट कीपिंग करते नजर आ जाएंगे आपको। इन्होंने दोस्तों लास्ट मैच में ओपन करते दोस्तों 42 रन के काफ़ी जो है काफ़ी बेहतरीन पारी खेली थी। साथ ही दोस्तों बात करें करण दत्ता जो कि टीम के कैप्टन रहते हैं दोस्तों, ओपन करते हुए इन्होंने 20 रन का जो है पारी खेला था और काफ़ी अच्छे शॉट्स भी इन्होंने लगाए हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों लवप्रीत सिंह जो कि आपको तीसरे नंबर बैटिंग करते नजर आएंगे। इन्होंने दोस्तों 26 रन की पारी खेली थी। टीम के नेक्स्ट बैट्समैन जो कि चौथे नंबर पर खेलते नजर आएंगे दविंदर सिंह, इन्होंने तो भी दोस्तों जो 26 रन बनाए थे। साथ ही दोस्तों बात करें गुरविंदर सिंह ने 5 रन बनाया था। उसके बाद दोस्तों अमित दास जो कि 1 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों बॉलिंग में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते 4 विकेट निकाला था, जिसके कारण काफ़ी प्रॉफिटेबल मैच हमारा ये रहा था और लास्ट मैच हमने काफ़ी अच्छी अर्निंग की थी इसके जो साथ मिलकर। साथ ही बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर जो कि गुरंग मायावंशी है दोस्तों, बैटिंग करते केवल 2 रन बना पाए थे, लेकिन बॉलिंग में जो दोस्तों काफ़ी धमाकेदार बॉलिंग कराई थी और 5 विकेट निकाला था और काफ़ी अच्छी जो है हमें फैंटेसी पॉइंट्स देकर काफ़ी अच्छा हमें मैच अर्निंग कराया था विनिंग कराकर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मोहम्मद रिजवान, तो दोस्तों इन्होंने बॉलिंग कराया था लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। बात करें सोनू जांगरा, तो इन्होंने बॉलिंग कराते हुए 1 विकेट निकाला था। साथ ही दोस्तों दाऊद मसूद और दोस्तों इमरान मोहम्मद की जो है बॉलिंग नहीं आ पाई थी, जिसके कारण इनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। गाइस नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं यहाँ पे जो दाऊद रहेंगे काफ़ी अच्छे प्लेयर, तो आपको इस मैच में हो सकता है कि काफ़ी अच्छे बॉलिंग करके विकेट्स दे सकते हैं, तो GL के लिए ग्रैंड पिक रह सकते हैं दाऊद मसूदी इस मैच में। साथ ही गाइस आगे आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ रावत स्पोर्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो दोस्तों आपको सिंपली बता दो टॉप के जो आपको 4 प्लेयर दिख रहे हैं इनको अपनी टीम से बिल्कुल भी आपने ड्रॉप नहीं करना। और दोस्तों यहाँ पे रहेंगे अमित दास और गुरंग मायावंशी जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यहाँ पे सोनू जांगरा। तो ये 7 प्लेयर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रावत स्पोर्टिंग की तरफ से, जो कि आपको 1-sided विनिंग दिलाने वाले हैं, तो इनको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। अब अगर रावत स्पोर्टिंग के फेवर में आता दोस्तों ये 7 प्लेयर आपके टीम में 100% होने चाहिए, तभी आप जो विनिंग कर पाओगे ग्रैंड लीग की। आगे का इस बात करते हैं यहाँ पे जो खारियन की प्लेइंग 11, तो खारियन की प्लेइंग 11 के साथ ही दोस्तों एक एक रिकॉर्ड्स भी आपको बताने वाला हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ओपन करेंगे यहाँ पे क्विजर जुल्फिकर जो कि लास्ट मैच 4 रन के लिए बनाकर आउट हो गए थे। उसका दोस्तों आदिल अहमद जो कि 5 रन बना के आउट हो गए थे और बॉलिंग में दोस्तों कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे मोहम्मद जरार जो कि 5 रन बनाए थे केवल। उसका दोस्तों बात करें MD उमर वाकस की, तो दोस्तों इन्होंने 22 रन की काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। साथ ही दोस्तों बॉलिंग भी कराया था लेकिन कोई सफलता इनको नहीं मिला। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मिर्जा रिजवान बेज की, जिन्होंने दोस्तों केवल 2 ही रन बनाया, काफ़ी अच्छा शुरुआत किया था लेकिन दोस्तों आउट हो गए थे, कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। बात करें दोस्तों यहाँ पे जो असगर की, तो दोस्तों टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर है, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, और दोस्तों इन्होंने 20 रन की जो पारी खेली थी और बॉलिंग कराकर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए 2 विकेट्स निकाले थे अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों असार अली, तो इन्होंने दोस्तों 22 रन की जो पारी खेली थी काफ़ी बेहतरीन इन्होंने शॉट्स भी लगाए थे। नेक्स्ट आगे जो बॉलिंग कराए थे तो दोस्तों वहाँ पर इनको जो कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो दोस्तों रहेंगे मोहम्मद नईम, तो दोस्तों इनकी बॉलिंग बैटिंग नहीं आ पाई, जिसके कारण इनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों हबीबुर रहमान, तो इन्होंने दोस्तों बॉलिंग कराते हुए 1 विकेट निकाला था। जुनैद अली ने दोस्तों कोई विकेट नहीं निकाला। साथ ही बात करें सबीर की, तो दोस्तों इनको भी बॉलिंग या फिर बैटिंग का मौका नहीं मिला, जिसके कारण इनका रिकॉर्ड नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे। सिंपली गाइस आगे बात कर लेते हैं इस टीम से मोस्टली मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके खारिन की तरफ से, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले आदिल अहमद रहेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे जो MD उमर वाकस रहने वाले हैं। साथ ही गाइस बात करेंगे असगर आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, असार अली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट से जो आपके लिए रहेंगे हबीबुर रहमान। तो गाइस ये जो 5 प्लेयर है आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टीम से। साथ ही गाइस अगर आप ग्रैंड लीग खेले तो जुनैद अली को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्लेयर स्टार प्लेयर है। दोस्तों आप चाहते हैं हबीबुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए जुनैद अली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइस आपको यहाँ से टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बता दिए, तो आगे बढ़ते हैं हमारे जो टॉप पिक्स रहने वाले, साथ ही गाइस जो रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन के लिए उनकी भी बात कर लेंगे इसमें अभी हम। तो गाइस टॉपिक में आप देख सकते हैं जैसे कि किस्तीज पटेल रहेंगे, असार अली रहेंगे, देविंदर सिंह रहेंगे, करण दत्ता रहेंगे, उसका दोस्तों असगर रहेंगे, उसका दोस्तों MD उमर वाकस रहेंगे, उसका दोस्तों ग्रोइंग मायावंशी, नेक्स्ट दोस्तों अमित दास रहेंगे, आदिल अहमद। तो गाइस ये जो आपके लिए टॉप 9 मैंने बताया, अगर आप इजिली 1-sided विनिंग चाहते हो तो इनको अपनी टीम में जरूर शामिल करना है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये प्लेयर अपनी टीम में है तो आप 1-sided विनिंग ईजिली कर लोगे। साथ ही गाइस बात करते हैं जो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, तो गाइस यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों असगर रहेंगे, उसका दोस्तों यहाँ पे गुरंग मायावंशी को अपने टीम में जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए। और दोस्तों आप चाहते हैं ग्रैंड लीग खेलना तो आपने सिंपली क्या करना, करण दत्ता को अपनी टीम में कैप्टन बना सकते हो, असार अली रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट,
आदिल अहमद रहेंगे जो ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की लीडिंग के लिए। सो गाइज ये आपके होगी कैप्टन वाइस कैप्टन टॉप पिक्स के बाद। और आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता लग ही चुका है कि जैसा आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलता है, जैसे आपको जो प्रिडिक्शन आपको देता हूँ इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो गाइज हमारे साथ जुड़ने का आपको हमेशा जो काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा और कंटिन्यूसली आप लोग विनिंग करते रहोगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे देख लेते हैं आज की हमारी फाइनल टीम जो रहने वाली, तो यहाँ पे आपको सिंपली मैं जो टीम दिखा देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है और इससे आप वन साइडेड विनिंग 100% करने वाले हो। सो गाइज यहाँ पे हम टीम की प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं जैसा कि विकेट कीपर ऑप्शन से हमारे पास करण दत्ता और किस्तीज पटेल रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बैटिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों अमित दास रहेंगे, लवप्रीत सिंह रहेंगे, उसका उमर वाकस रहने वाले बैटिंग डिपार्टमेंट से जो हमारे खारियन की तरफ से। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों सोनू जांगरा रहेंगे, उसका रहेंगे दोस्तों असगर और आदिल अहमद। बॉलिंग डिपार्टमेंट से दोस्तों हमारे पास रहेंगे डी मसूद, उसका दोस्तों गुरंग मायावंशी और जुनैद अली। तो ये हमारी फाइनल प्लेइंग इलेवन रहने वाली इस मैच के लिए और गाइस इजीली वन साइडेड विनिंग आपकी 100% होगी। बाकी गाइस कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर जो अपडेट मिल जाएगा वहाँ पर आपने सिंपली ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो आपसे हम यही एक्सेप्ट करते हैं कि दोस्तों हमारी वीडियो को आप जो कमेंट करके बताएं और साथ ही एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील होता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो सो फिर गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर, ताकि वो भी जीते और आप भी कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़कर विनिंग करते रहो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।